अब आप देखें फिफ्थ पार्ट इसी का, इसी को लिखें अगेन दोबारा से, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स का स्क्वेयर माइनस फोर। आप देखें कि एक्स का स्क्वेयर माइनस वन, वन का स्केयर भी आपके पास वन ही होता है। आपने फार्मूला पढ़ा था, दो स्क्वेयर लिखे हों दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा आप नेगेटिव ओपन करें और एक दफ़ा आप पॉजिटिव ओपन कर दें, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन। अब देखें यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर माइनस फोर का स्क्वेयर क्या बनेगा, ये बनेगा टू स्क्वेयर बनेगा, ये एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन ये कट जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन ओवर दरमियान में माइनस हो और ये स्क्वेयर लिखे हुए हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ ओपन करें और एक दफ़ा प्लस के साथ ओपन करें, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। अब ये वाला प्लस का और ये वाला प्लस का कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू, ये आपका आंसर। अब देखें आप सिक्स्थ पार्ट इसी का, एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओवर टू एक्स का स्क्वायर माइनस एट। ऊपर आप देखें कि फार्मूला आपके पास बन रहा है, कैसे बन रहा है देखिए, एक्स का होल स्क्वायर, देखें यहाँ पे इसकी स्पेस थोड़ी सी छोड़ दें, टू का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, ये आपका फार्मूला ऊपर बन गया, मैंने सिर्फ फार्मूला बनाया है। नीचे देखें टू एक्स का स्क्वायर माइनस एट लिखा हुआ है, टू कॉमन निकालें, अंदर बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा अंदर फोर, क्योंकि टू फोर ज़ा एट होता है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आपका क्लोज हो जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ओवर टू इन टू एक्स का स्क्वायर माइनस, अभी हम पिछले सवाल के अंदर कर के हैं, ये बनेगा टू का स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ओवर टू इन टू दरमियान में माइनस और ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक दफ़ा नेगेटिव ओपन करें और एक दफ़ा पॉजिटिव ओपन करें, इज इक्वल टू। अब एक्स माइनस टू इसको भी दो दफ़ा लिख लें आप, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू ओवर टू इन टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू कैंसिल और क्या बचेगा, एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू ओवर ये आपके पास एक्स प्लस टू, ये आपके पास आंसर होगा। अब देखें सेवन्थ पार्ट, सिक्सटी फोर एक्स फाइव माइनस सिक्सटी फोर एक्स ओवर एट एक्स स्क्वेयर प्लस एट इंटू टू एक्स प्लस टू। ऊपर से देखें आप सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर दोनों कॉमन निकलते हैं और ये एक्स की पावर फाइव और यहाँ पे एक्स की पावर वन, इन दोनों में से भी एक्स एक कॉमन आता है। देखें आप सिक्सटी फोर कॉमन निकाला, एक्स भी बाहर कॉमन निकाला और अंदर बचेगा एक्स फोर माइनस इस एक्स की जगह क्या बचेगा वन ओवर, इन दोनों की जगह एट लिखा हुआ है तो एट कॉमन निकालें, अंदर बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों में से टू कॉमन निकालें, अंदर बचेगा एक्स प्लस वन। अब देखें आप एट वन ज़ार एट, एट ज़ार सिक्सटी फोर, टू वन ज़ार टू, फोर ज़ार
फोर एक्स इंटू एक्स फोर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर वन ही आंसर आता है, ओवर एक्स का स्क्वेयर प्लस वन एक्स प्लस वन। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा था तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब देखें आप फोर एक्स, ये एक्स का स्क्वेयर और ये वन का स्क्वेयर, एक दफ़ा आप प्लस करें और एक दफ़ा आप माइनस करें। अब देखें एक्स का स्क्वेयर प्लस वन, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा आपने माइनस कर दिया, ओवर एक्स का स्क्वेयर प्लस वन एक्स प्लस वन। ये और ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, इज इक्वल टू फोर एक्स, एक्स का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, यहाँ पे इसका अगर स्क्वेयर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे वन का स्क्वेयर ही होता है, वन का स्क्वेयर का आंसर वन ही आता है, दरमियान में माइनस, दोनों तरफ स्क्वेयर, एक दफ़ा माइनस ओपन करें और एक दफ़ा आप प्लस ओपन कर दें, ओवर एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, फोर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये आपका आंसर। एट्थ पार्ट देखते हैं, सवाल नंबर थ्री का एट्थ पार्ट, इसको भी आपने करना है रिड्यूस। लिखा हुआ है नाइन एक्स का स्क्वायर, ये किसी चीज़ का बनता है स्क्वायर, किस चीज़ का बनता है स्क्वायर, थ्री एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि थ्री का स्क्वायर नाइन और एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा दोबारा से, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर, ओवर फोर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, दरमियान में माइनस और ये स्क्वायर स्क्वायर लिखे हमें, जब भी दरमियान में माइनस हो और दोनों स्क्वायर लिखे हों तो आप इसका फार्मूला ओपन करते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ, थ्री एक्स एक दफ़ा माइनस के साथ, ये आप ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, नेक्स्ट थ्री एक्स एक दफ़ा प्लस के साथ, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी, ओवर फोर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ऊपर वाली ब्रैकेट्स ओपन कर दें, थ्री एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर, नेक्स्ट थ्री एक्स प्लस फोर एक्स का स्क्वायर, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, माइनस फोर,